तो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आपने देखा होगा अभी आज सुबह जबरदस्त ओपनिंग स्टॉक की हुई है, लेकिन अभी के टाइम जो तेजी है वो तकरीबन 4% के करीब है। 37.90 के भाव में शेयर है और लगभग आप लोग देखोगे 20.6 मिलियन की वॉल्यूम पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 2.6 करोड़ के करीब वॉल्यूम आई है। तो टेक्सटाइल सेक्टर कंपनी आखिरकार तेजी क्यों बनी है? सुबह आप लोग देखोगे भी 8-9% की तेजी के साथ ओपनिंग, ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत डाउन आया है। तो तेजी इतनी अच्छी हुई है क्योंकि कल के दिन कंपनी ने अपने Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए थे भाई, और रिजल्ट्स काफ़ी शानदार है। देखो वैसे तो प्रॉफिट्स टूटे हैं Q1-on-Q, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है, लगभग 250% से, ठीक है, 250% प्लस हमें जो अभी इसके प्रॉफिट्स में उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि स्टॉक की एक अच्छी खासी ओपनिंग हमें देखने को मिली है। और हमारे कल की वीडियो मैंने बोला भी था, देखो भाई जिनकी पहले से होल्डिंग है उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, सुबह सुबह स्टॉक में आपको जो अभी मौका मिलेगा जो आपको करना है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह या फिर जो कुछ भी करना है अपने रिजल्ट से पहले स्टॉक को पिक किया है। तो अगर आप लोग रिजल्ट्स के बाद स्टॉक को पिक करने के बारे में सोच, यानी आज के दिन स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, अगर ये स्टॉक अपने प्राइस के आसपास ओपन हो तो एक अच्छी बात है, वहाँ से स्टॉक पिक करने का मौका हो सकता है। अदरवाइज आप लोग देखोगे स्टॉक अगर 5% या उससे ऊपर में ओपनिंग ले तो वहाँ पर बाय होल्ड सेल के कोई भी चांस नहीं बनेंगे भाई। स्टॉक ऑलरेडी आप लोग देखोगे भाई 9% के करीब उछला, ठीक, ओपन ही वहीं पर हुआ, फिर उसके बाद जो शेयर है वो नीचे ही आया, नहीं कि ऊपर गया। क्यों आया? क्योंकि भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, रिजल्ट से पहले जिन्होंने स्टॉक को पिक किया वो ऊपर के भाव से निकले हैं, और यही कारण रहा है कि स्टॉक ऊपर के भाव से टूटते हुए नजर आया है। हमें आप लोग देख भी सकते हो भी कहाँ तो 39 रुपये प्लस पहुंचा हुआ था ओपनिंग थी, फिर वहां से जो शेयर है वो नीचे की तरफ हमें अभी के टाइम दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई आखिरकार आगे क्या क्या कुछ इसके मूवमेंट्स हो सकते हैं। देखोगे 39.80 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया, तो काफ़ी अच्छी रैली स्टॉक में बनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते भी डाटा इसका जो चार्ट है वहाँ पर क्या कुछ मूवमेंट इसके बन रहे हैं और रिजल्ट कैसे आए अगर नहीं देखें तो चलिए एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ट्राइडेंट के रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं। तो अब की बार जो रिवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 1812 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1505 करोड़ का, तो प्रीवियस क्वार्टर से तो इंक्रीज है। वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1442 करोड़ था, तो वहाँ से भी इसके रिवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप रहा है। और ये आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1300 करोड़ था, प्रीवियस क्वार्टर में 1262 और अब की बार 1557 करोड़। तो इन सबको देखते हो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रहे हैं वो 240 करोड़ के आसपास, प्रीवियस में 231 थे और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 137 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। लेकिन जो एक्सपेंस वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह है, इन सबको काट कर आप लोग देखोगे जो प्रॉफिट्स बचते हैं वो कितने, और अब की बार इंटरेस्ट आप लोग देखोगे कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर से भी अधिक पे किया है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी आपको जो ना अभी इंटरेस्ट हाई होते हुए नजर आया है। और आपने देखा भी होगा भी जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ है। तो ये अपडेट्स मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, कितना हुआ कितना नहीं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और जो प्रॉफिट्स कंपनी ने अब की बार दिए हैं वो अभी 90 करोड़ 17 लाख, प्रीवियस में क्या थे 93 करोड़ 40 लाख। तो प्रीवियस क्वार्टर से प्रॉफिट्स टूटे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 37 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट्स था, और 37 करोड़ से सीधा 90 करोड़ प्लस गया अभी प्रॉफिट, और यही कारण है कि स्टॉक में ये रैली बनी है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर आप लोग अगर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, अगर पहले भी आपने हमारी वीडियो देखी है, ठीक है, आप हमारे सब्सक्राइबर, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ और इसके जो लेवल्स वगैरह वो भी मैंने बताए थे। तो यहाँ पर जो सपोर्ट बना था पहले 36 रुपये के आसपास था स्टॉक, यहीं पर अपना जो ना भी कंसोलिडेट कर रहा था, देख भी सकते हो पहले, लेकिन आज गैप अप ओपन हुआ, एक जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी, उसके बाद जो शेयर है वो नीचे आया भाई। अभी के टाइम जो सपोर्ट है इसका वो क्या है, सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हो अभी 37-40 का, ठीक है, फ्रेश एंट्री है, कोई माल तो वैसे नहीं है। अगर स्टॉक 38-35 को ब्रेक करके आज के दिन सस्टेन कर जाता है तो इसके 40 रुपये के मूवमेंट आने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स के बाद आप लोग देखोगे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिली है, और पीछे भी जिस भी निवेशक ने इस भाव से स्टॉक को पिक किया गिरावट के बाद उन्हें भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर हुआ है। नीचे में स्टॉक 32-33 के आसपास आया था भाई पीछे करेक्शन के चलते, अभी के टाइम स्टॉक में रिकवरी है, रिजल्ट्स अच्छे
तो उन सब का असर रहा है। अगर आज ये 38-35 के ऊपर में क्लोजिंग लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर इसके ऊपर में 40 रुपये तक के मूवमेंट्स आने की संभावना है। लेकिन बाय होल्ड सेल की मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो सपोर्ट वगैरह वो मैंने आपको बताया है, सेकंड सपोर्ट रहेगा नीचे में 35-55, तो ये दो सपोर्ट है 37-40 और 35-55, इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।